बच्चों आज का जो ये मैजिकल पाउडर लाई हूँ ना, इसके सामने कोई पाउडर कोई भी केमिकल ठहर नहीं सकता। गजब का पाउडर है जो कि आपके सारे बर्तनों को, किसी भी धातु का बर्तन हो, उसे चमका के रखेगा। ना तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना ये सोचना पड़ेगा कि अभी तो हमसे नहीं होगा। तो इन बर्तनों की हालत देखिए, क्या बुरी हालत है, चाहे वो पीतल हो, तांबा हो, स्टील हो या एल्यूमिनियम का है। तो जो भी बड़े छोटे आपके पास बर्तन है, इसी पाउडर से बहुत ही बढ़िया साफ हो जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इन्हें साफ करना। साफ कैसे करें? जब स्टोर में रखे रहते हैं इन बर्तनों को, देखते हैं पुराने जमाने के, तो सोचते हैं क्या हम इसे साफ कर पाएंगे। बिल्कुल साफ करेंगे, क्योंकि ये मैजिकल पाउडर जो है हमारे पास। बच्चों, जो पुराने जमाने में धातुएं यूज होती थी, जैसे पीतल, तांबा, कांसा और बहुत सारे ऐसे टाइप के बर्तन जो कि हम भूल ही गए, आजकल हम मार्केट से वही बर्तन ला रहे हैं, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि जब भी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाएं। बच्चों, सबसे पहले होममेड पीतांबरी का रिजल्ट देख लेते हैं। अब जो भी हमारे मैले कुचले बर्तन है ना, उसमें इस तरीके से पहले थोड़ा गीला करके लगाते जाइए, 10 मिनट छोड़ दीजिए। अभी रगड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इस मिश्रण को लगाकर एक तरफ रखते जाइए। ये कांसा है जो पहले मैंने पतीला यूज़ किया, वो पीतल। ये कांसा सारे धातुओं में आपको करके दिखा रही हूँ, अंदर बाहर हर तरफ से आप कर सकते हैं। अभी मैंने लगा के खाली छोड़ती जा रही हूँ, रगड़ बिल्कुल नहीं रही हूँ। और आप चाहें तो ग्लव्स पहने, क्योंकि हाथों की बैंड नहीं बजनी चाहिए, हाथ को हमें बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखना है। तांबे के गिलास और एक मटका है मेरे पास जो कि मैं सर्दियों में यूज़ करती हूँ, तो उस पर भी रखे रखे ऐसी मैल सी जम गई है, उसे भी हमें इसी तरीके से लगाना होगा। अब जब सब पर लगा दिया है, तब मैं आपको यहाँ पे रगड़ के दिखा रही हूँ। बस वही ब्रश आप कोई भी ले लीजिए, स्कॉच ब्रश ले लीजिए या आप स्टील का जूना ले लीजिए, बस इस तरीके से। ये पेपर नैपकिन से मैंने आपको अभी रब किया है, धोया भी नहीं है, बस आपको ये दिखा रही हूँ कि सिर्फ लगाने की देर थी, हल्का सा रगड़ने की देर थी, कैसे साफ हो रहा है। जैसे नॉर्मल हम बर्तन मांजते हैं ना, बस उसी तरीके से आप मांजते जाइए। आपको पीतांबरी आसपास नहीं मिलती है, और पीतांबरी से ये कई गुना अच्छी है। बस चांदी सोना आपको नहीं साफ करना है इससे, बाकी सब कर सकते हो। अभी मैं आपको लास्ट में स्टील एल्यूमिनियम भी साफ करके दिखाऊंगी। ये देखिए, मैं तांबे पर लगा रही हूँ तो वो भी साफ हो रहा है। अब क्योंकि इसमें डॉट डॉट्स हैं, तो वो डिजाइन बनी हुई है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी देर इसको लगा के रखना होगा ये मिश्रण। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम पहले साफ कर लें, उसके बाद लगा के रखें। इसी तरीके से मटका भी चमकने लग गया। अब बारी आती है स्टील की। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, तो इसको बहुत ही जल्दी हम साफ कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे यहाँ तो पीतांबरी मिलती नहीं है। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था पीतांबरी से साफ करना, लेकिन मुझे बहुत सारे जब कमेंट्स आए तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाऊं जिससे आप घर में ही सारी चीज़ें मिलाकर उसे बना लीजिए, तो पीतांबरी को याद ही ना करें, ना ही किसी चीज़ को याद करें। ये देखिए, सारे बर्तनों को मैंने साफ कर लिया है। अब बारी आती है इन बर्तनों को पानी से धोने की। एक एक बर्तन को जब हम धोएंगे, बहुत बढ़िया चमकने लगेंगे। ये देखिए, ये पीतल का जो पतीला है ना, ये मेरे घर का नहीं है, मैंने पास वाली भाभी से लिया था। तो यकीन मानिए, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये पतीला उन्हीं का ही है। जो लाई थी वो कंडीशन और ये पतीले की अब कंडीशन देखिए, कितना चेंज लग रहा है। बिल्कुल चमक जाएंगे, जैसे नॉर्मल हम बर्तन मांजते हैं उसी तरीके से मांज लीजिए। अब बनाइए इसमें खीर, कितनी बढ़िया बनेगी। ये ग्लास देखिए, बहुत अच्छे से चमक चुके हैं। अगर आपको जरा सा भी लगे कि डिज़ाइन साफ़ नहीं हुई है, तो इसी मिश्रण को थोड़ी देर लगाकर फिर से छोड़ दीजिए। कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि इसकी डिज़ाइन में मिट्टी फंसी हुई है, तो उसे हमें साफ़ करना होगा। अब बारी आती है एल्यूमिनियम की कढ़ाइयाँ। कई बार हम खाना वगैरह बनाते हैं तो कुछ जल सी जाती हैं, ऐसे में मन करता है कि इसे साफ़ करने में तो बहुत मेहनत लगेगी, तो चलिए इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये थोड़ी ऑयली है, पहले हम थोड़ा इसे साफ करेंगे, फिर धोएंगे, फिर इसे रगड़ेंगे। अब इस चमत्कारी पाउडर को देख लिया ना, है ना पीतांबरी से भी बहुत ज्यादा अच्छा, तो क्यों ना हम इसे घर में बनाएं। चलिए देख लेते हैं इसे बनाया कैसे। पुराने जमाने में क्या होता था, लोगों के पास समय भी होता था और चूल्हा जलता था तो राख होती थी, उस गरम गरम राख से बर्तन चमक जाया करते थे। अब चूल्हा जलता नहीं है और टाइम भी कम है। फिर आई हमारे टाइम में पीतांबरी, जो मंदिर के बर्तन चमकाती है तो हम घर में भी चमकाते हैं, लेकिन पीतांबरी कई जगह नहीं मिलती है। आज पीतांबरी से भी
बहुत ज्यादा इफेक्टिव लाई हूँ पाउडर जो कि घर के इंग्रेडिएंट से ही बनेगा। यहाँ मैंने आटा लिया है और जो मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं वो भी बहुत ही बढ़िया घर के हैं, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं आएगी कि आपको मिलेंगे नहीं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैं बता रही हूँ आपको, नमक जो हम सब्जियों में डालते हैं। दूसरा है सर्फ, डिटर्जेंट जो भी आप यूज करते हो वो ले लीजिए। तीसरी कटोरी में है मीठा सोडा जो कि हम पकौड़े वगैरह में थोड़ा सा डालते हैं, वही मीठा सोडा लिया है। अब जो ये चौथा इंग्रेडिएंट है वो है साइट्रिक एसिड, जिसे साइट्रिक कहते हैं। ये क्या होता है, बहुत ही सस्ता होता है क्योंकि इसके बदले हम और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे नींबू यूज़ कर सकते हैं, 3-4 नींबू का रस लेंगे तो उससे क्या होगा, ये गीला गीला हो जाएगा और ये सूखा पाउडर नहीं बनेगा। अगर हम सिरका लेते हैं तो सिरका भी गीला कर देगा। पीताम्बरी होती है पिंक कलर की, तो मैंने इसमें कुछ मतलब जरा सी 2 चुटकी कलर की डाल दी है। आप चाहें तो कलर का कोई रोल नहीं है तो कलर आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए। तो इन सारे पाउडर को डाल दिया और इसे मैंने मिक्सी के जार में डाला। मिक्सी का जार वो यूज़ कीजिए जो आपका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मैंने कोई पुराना सा ले लिया मिक्सी का जार, इसमें मैं पूरा पीस रही हूँ। पीसने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि जो साइट्रिक होता है वो चीनी जैसा होता है, उसको हम पीस लेंगे ना एक साथ तो बहुत बढ़िया काम करेगा, नहीं तो खलबत्ते में भी आप पीस सकते हो। क्योंकि इसमें कलर डाल रही हूँ और वो भी ड्राई है, तो मैंने आधे चम्मच से भी कम पानी डाल दिया है। वैसे आप कलर भी ना डालें, पानी भी ना डालें, जिससे पाउडर काफ़ी लंबा चलेगा। बस इसको एक बार पीस लीजिए, बन गया ये पीताम्बरी से 100 गुना ज़्यादा अच्छा पाउडर। अब इसे किसी भी खाली जार में आप भर के रख सकते हो और धीरे धीरे आप यूज़ कर सकते हो। अब इस पाउडर को स्टोर करने का तरीका बताती हूँ, क्योंकि वो भी तो चाहिए ना हमें। तो ये पाउडर आप बनाकर रख लीजिए, जब जब आपको ज़रूरत है यूज़ कीजिए। आप इसे एयरटाइट जार में रखिए, गीला चम्मच डालेंगे तो दिक्कत हो सकती है। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत सारे पैसे बचाएं। और हाँ बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए आए, सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल ना करें।